हाय दोस्तों, मेरा नाम मनन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं। ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था कि आप हमें जो है कीपैड मोबाइल के बारे में बताएं कि कीपैड मोबाइल को कैसे मिरेकल बॉक्स से बुक किया जाता है और कैसे उसे रीड किया जाता है, कैसे उसे अनलॉक किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने मिरेकल बॉक्स से नोकिया 105 का जो नया मॉडल है उसे आप अपने मिरेकल बॉक्स से कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नोकिया 105 इसका RM 1134 है, ठीक है। तो इस मॉडल को जो है हम जो है अपने मिरेकल बॉक्स से इसे अनलॉक करेंगे और इसको रीड करेंगे कि कैसे रीड किया जाता है इसको, कैसे मोबाइल को जो है बूट किया जाता है मिरेकल बॉक्स से नोकिया 105 नए मॉडल को। तो इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाले हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, ध्यान से देखें। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं नोकिया 105 का मॉडल है, इसमें जो है सिक्योरिटी कोड है, पहले थोड़ा सा आप देख लें। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं कि ये नोकिया 105 का मॉडल है, इसमें जो सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है और इसका जो कोड है इसे हमें अनलॉक करना है और बिना किसी नुकसान के, इसका बिना किसी कॉन्टेक्ट नंबर को जो है डिलीट किए हुए सिर्फ हमें इसे अनलॉक करना है। इसका जो पासवर्ड है इसे हमें रीड करना है अपने मिरेकल बॉक्स से। तो दोस्तों, बता दूं मैं आपको कि इस मोबाइल को मिरेकल बॉक्स से बूट कराने के लिए आपको इसका USB ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा और USB ड्राइवर का लिंक जो है मैंने एक वीडियो में पहले डाल दिया है, जो पहले वीडियो मैंने डाला था ऑल मोबाइल USB ड्राइवर लिंक, उस वाले वीडियो में जो है इसका भी जो है लिंक है और इस मोबाइल का भी जो है ड्राइवर आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि मिरेकल मोबाइल ड्राइवर जो है 1.00 उसी के अंदर में जो है इसका जो है नोकिया का जो है USB ड्राइवर है, आप उसमें जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में उस ड्राइवर से और उसके बाद इसी ये मोबाइल जो आपके सिस्टम से बूट करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। आप सोचिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के बगल में जो है एक बेल आइकन होता है, अगर उस बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले जो है जब भी हम अपने वीडियो को अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल पर और सबसे पहले आपको जो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे अगली वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं जो है एक तरफ मिरेकल टूल को ओपन कर लिया हूं, उसके बाद एक तरफ जो है मैं आपको मोबाइल की वीडियो दिखाऊंगा कि मोबाइल कैसे बूट किया जाता है और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने मिरेकल टूल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे MTK पे आपको सेलेक्ट करना है। MTK पहले से ऑलरेडी मौजूद रहता है तो आपको MTK ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको RM1134 आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। RM1134 सेलेक्ट करना है नोकिया 105 न्यू मॉडल के लिए। उसके बाद USB पे आपका जो है टिक लगा हुआ पहले से रहता है, ऑलरेडी पहले से मौजूद रहता है तो आपको यहाँ पे आपको चेक लगा देना है, टिक लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टार बटन पर क्लिक करना है। स्टार बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आपका मिरेकल में स्कैन USB पोर्ट आपको लिखता है, उसके बाद आप अपने मोबाइल को अपने USB डाटा केबल से आपको कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लें। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में जो बैटरी लगा रहा हूँ, बैटरी लगाने के बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाटा केबल को हमें यहाँ पे इसमें लगा देना है और जैसे ही डाटा केबल को हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे इस मोबाइल में, हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है बूट कर जाएगा और जैसे ही हमारा मोबाइल बूट करेगा तो हमारे फ्लैश फाइल को जो है ये रीड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लैश फाइल रीड हो रहा है और इस फ्लैश फाइल को हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इस फ्लैश फाइल को हम रीड होने देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कैसे है हमें इस मोबाइल को जो है अनलॉक करना है। जब तक फ्लैश फाइल रीड हो रहा है तब तक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट्स करते हैं कि भाई आपका जो फलाना वीडियो आपके चैनल में है, तो हम उसको जवाब देते हैं कि भाई हाँ, ये वीडियो हमारे चैनल में पहले से ही मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि आप उस वीडियो की लिंक दे दें हमें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे उन सभी वीडियो पर पहुंचने के लिए, उन सभी वीडियो तक आप पहुंचने के लिए आपको जब आप हमारे चैनल पर आते हैं, हमारे चैनल पर आने के बाद आप ऊपर में देखेंगे कि होम लिखा हुआ आता है, वीडियो लिखा हुआ आता है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है, अबाउट लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं प्लेलिस्ट के बगल में एक वीडियो का ऑप्शन आता है, वीडियो पर अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद जो है आप डायरेक्टली हमारे सारी वीडियो के पास जो है पहुँच जाएंगे, ठीक है, और सभी वीडियो आपको वहाँ पर नजर आएगी।
फिर आप जब नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको सारी सारी वीडियो वहाँ पे नजर आ जाएगी और आप किसी भी वीडियो को जो आपके पसंद का हो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी चाइनीज मोबाइल को रीड करने के बारे में, राइट करने के बारे में, फॉर्मेट करने के बारे में, अनलॉक करने के बारे में, सैमसंग 1200Y को जो है रीड करने के बारे में, उसे राइट करने के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी बॉक्स का अगर क्रैक यूज़ कर रहे हैं, चाहे मेरिकल का क्रैक यूज़ कर रहे हैं या वेलकनो का क्रैक यूज़ कर रहे हैं या आप Z3 बॉक्स का क्रैक यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्रैक फाइल में और मेरिकल बॉक्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप मेरिकल बॉक्स में या क्रैक फाइल में जो है, क्रैक फाइल में आप क्या होगा कि 2015 से नीचे का ही मोबाइल को आप जो है आप रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप बॉक्स खरीद लेते हैं, डोंगल की खरीद लेते हैं, तो आप इसमें क्या होगा कि इसमें आप जितनी भी मोबाइल नई मोबाइल आएगी और सारे के सारे लेटेस्ट मोबाइल को आप जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो आप अगर क्रैक में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि अगर आप बॉक्स खरीद लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी बॉक्स को खरीदने के लिए आप किसी भी शहर से खरीद सकते हैं, कोई भी अगर बड़े शहर है, बड़े टाउन है, मान के चलिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन सभी बड़े शहर में जो है आपको ये सारी की सारी बॉक्स मिल जाएगी। और इन सब बॉक्स के बारे में आपको पता करना है तो आप मान के चलिए कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम पहले से करता है कोई दुकानदार, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि वो जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो डीलर है, वो जो बॉक्स है वो कहाँ पर मिलता है, वो सारी सारी बातें आपको वो दुकानदार आपको बता देंगे। तो दोस्तों हमारा फ्लैश फाइल रीड हो चुका है, हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस फोन को हमें अनलॉक करना है, अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे रीड अनलॉक पर चेक लगा देना है। रीड अनलॉक पर चेक लगाने के बाद हमें अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, अपने मेरिकल टूल के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें अपने मोबाइल को अपने मेरिकल टूल में बूट कराना होगा। तो मेरिकल टूल में बूट कराने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोबाइल को आपको ऑफ हालत में रखना है, ऑन नहीं करना है मोबाइल को। उसके बाद मोबाइल में बैटरी आपको लगा देना है, मोबाइल में बैटरी लगाने के बाद उसमें उसके बाद आपको जो है उसमें आपको USB डाटा केबल आपको कनेक्ट कर देना है। और जैसे USB डाटा केबल आप कनेक्ट करेंगे आपका मोबाइल जो है यहाँ पे जो बूट कर जाएगा आपके मेरिकल टूल से। थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अभी अनलॉक करेंगे, रीड अनलॉक करेंगे, इसका पासवर्ड आप देखने के लिए इसे रीड अनलॉक करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि आप मोबाइल जैसे बूट कराएंगे इसमें आपके मोबाइल पर जो है मान के चलिए अगर लावा का मोबाइल है तो वो लावा लिखेगा और यदि नोकिया का मोबाइल है तो ये नोकिया लिखेगा। तो दोस्तों रीड अनलॉक कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहाँ पे इस मोबाइल का जो है पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में शो करेगा। तो दोस्तों जब तक कंप्लीट रीड अनलॉक नहीं होगा तब तक ये मोबाइल जो यहाँ पे नोकिया पे ही अटका हुआ रहेगा, ठीक है, इसी तरह से, और आपको कंप्लीट रीड अनलॉक होने के लिए देना है। तो दोस्तों कई सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि भाई कौन कौन से मोबाइल को कैसे कैसे बूट किया जाता है, किस किस तरह से बूट किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप MTK फोन को अगर आप बूट कराते हैं अपने मेरिकल बॉक्स से, तो जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं इसी तरीके से आप अपने मेरिकल बॉक्स से MTK CPU को जो है आप बूट करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं SPD यानी स्पीड ड्रम मोबाइल को, ठीक है। अगर आप स्पीड ड्रम का IC है उस मोबाइल के अंदर में चिप लगा हुआ है तो ठीक है, तो उस मोबाइल को आप स्पीड ड्रम मोबाइल को आप यहाँ पे SPD जो लिखा हुआ है टूल, SPD टूल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें आपको उसका IC नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी IC नंबर है उसका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसे बूट कराने के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों कि उसमें मान के चलिए आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है और उस कीपैड वाले मोबाइल में जो है उसमें बूट की है वॉल्यूम प्लस और माइनस। मान के चलिए कीपैड वाले मोबाइल में जिस वॉल्यूम से आप आवाज़ कम और ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उस वॉल्यूम को आपको यूज करना है, उन दोनों वॉल्यूम को आपको एक साथ दबा के रखना है। उसके बाद आपको डाटा केबल लगाना है और बैटरी आपको लगाना है, और जैसे आप बैटरी लगाएंगे आपका मोबाइल जो है स्पीड ड्रम का वो बूट कर जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड अनलॉक हो चुका है ये मोबाइल नोकिया मोबाइल, और इसका जो यहाँ पासवर्ड यहाँ सबसे ऊपर में जो यहाँ पे शो कर रहा है 99340, ठीक है, ये इसका पासवर्ड है, इस मोबाइल का ये पासवर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को इस मोबाइल में जो है इस मोबाइल को हम ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद इस पासवर्ड को हम इसमें डालेंगे और इस पासवर्ड को डालने के बाद ये मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा, यानी कि ये मोबाइल जो खुल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस पासवर्ड को हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कि हमारा जो ये मोबाइल जो है यहाँ पे अनलॉक होता है या नहीं, ठीक है। जो पासवर्ड यहाँ मेरिकल टूल में शो कर रहा है इस मोबाइल का, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे आप डालेंगे। उस पासवर्ड को डालने के बाद हम यहाँ पे ओके बटन को दबाएंगे, जैसे ओके बटन को हम दबाएंगे तो हमारा ये मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो अनलॉक हो चुका है। अब इस मोबाइल को हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग में जाकर के
इसका जो सिक्योरिटी कोड का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को जो हम ऑफ कर देंगे ये पासवर्ड डाल करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।